ओम शांति। जो ऐसे गीत है मैं सुना ना कि दुनिया वालों से क्या काम, तो दुनिया तो कहती है दुनिया से काम है, आप ऐसे कहती हो दुनिया वालों से क्या काम, आप तो कहते दुनिया से तो काम है, फिर ये तो गीत है ठीक नहीं है ना, फिर ऐसे गीतों को तो बंद करा देना चाहिए है? कि बनवारी तेरे से काम है, दुनिया वालों से क्या कर, दुनिया वाले तो कहते हैं दुनिया से ना काम चलेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे है? तो दुनिया वाले तो ऐसे कहते हैं, अभी क्या होना चाहिए अब ये है समझने की बात है कि हाँ दुनिया से तो काम है, लेकिन ये जो अब की दुनिया है ना, ये अब की दुनिया जो है जिसमें दुख और अशांति उठा रहे हैं, तो अभी उसके लिए है कि इस दुनिया में अभी कुछ रहा नहीं है, कोई सार नहीं रहा है, इसीलिए अभी जो तेरी दुनिया थी बनाई हुई, तेरी दुनिया ख्याल में है ना, उनकी भी दुनिया है, उनमें भी पति पत्नी बाप बेटा संसार है, सारे का सारा राजा प्रजा सब कुछ है, लेकिन हाँ तेरी तो दुनिया है ना, उसमें कुछ माल था, कुछ सार था, कुछ तो क्या पूरा सार था, और अभी जो ये संसार है ना, ये तो है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार, अब इस झूठे से क्या काम रखे हैं, इसीलिए कहते हैं अब इस झूठे संसार से अभी क्या मेरा काम रहा, क्योंकि इसमें अभी है ही नहीं कुछ माल, कोई सार ही नहीं रहा है, तो उसे फिर काम क्या रहा, इसीलिए अभी यार तेरे से यार दिल लगाते हैं, इसीलिए कि अभी तेरी जो दुनिया है ना उसमें से कुछ माल मिलेगा, तो दुनिया तो है ही, परंतु दुनिया सुख की जो है हाँ वो तेरे से प्राप्त रहेगी, इसीलिए अभी तेरे से काम है, क्योंकि तेरे द्वारा जो हमें दुनिया प्राप्त रही है अथवा तुमने जो हमारी दुनिया बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई, उसमें कभी हमको दुख नहीं था और कोई दुख की बात नहीं थी, सब था लेकिन दुख नहीं था, और हम चाहते भी ये है ना कि दुनिया हो लेकिन उसमें दुख ना हो, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, इसीलिए अभी ये जो दुनिया है जिसमें अभी बैठे हैं, तो इसमें तो अभी दुख और अशांति के सिवा और कुछ है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि हाँ अब इस दुनिया ये झूठी हो गई है, इसमें यहाँ कोई सार नहीं रहा है, इसको कहते भी है असार संसार, इसीलिए अभी इस असार संसार से यहाँ हमको निकालो, अभी फिर जो तुमने सार वाला संसार बनाया जिसमें कुछ माल पानी था अच्छा हा? अभी उस संसार का हमें फिर से हक दियो, तो जो हक देने वाला है तो अभी तो उससे काम है ना, तो फिर तो ये छोड़ना चाहिए ना, इसे फिर तो दिल हटानी चाहिए, तो वो बाप कहता है अगर मेरी दुनिया के अभी बनने चाहते हो और मैं आया भी हूँ वो नई दुनिया बनाने के लिए, अभी टाइम है, तो अगर उस दुनिया में अपना हक बनाने चाहते हो तो अभी फिर जैसे मैं कहूँ, तो ये जो रावण की दुनिया है ना हा? ये तो उनकी है पांच विकारों की, तो फिर इस विकारी दुनिया का तो छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ, नहीं तो विकारी दुनिया तो क्या कहेंगे तुमको हा? बिना विकारों के भाई काम नहीं चलेगा, ये क्या हा? तुमको मंडली वाले तुमको ब्रह्मा कुमारियां तुमको फलाने क्या सिखलाते हैं, वो तो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, तो हाँ इनके बिना नहीं मोह के बिना काम नहीं चलेगा, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, काम के बिना दुनिया नहीं उत्पत्त होंगी, ये नहीं होगा, वो तो ऐसी बातें सुनाएंगे, क्योंकि है ही विकारी दुनिया, उन बिचारों को ये पता ही नहीं है कोई निर्विकारी भी दुनिया है, निर्विकारपन से भी कोई दुनिया चली हुई है वो नहीं जानते हैं, इसीलिए ये विकारी दुनिया तो तुमको ये राय देंगे ये सलाहें देंगे ये बातें कहेंगे, इसीलिए बाप कहता है अब इनका संग इनकी मत छोड़ो,
इनके मत में है ही कि विकारों से दुनिया चलने की है, तो तुमको मत भी ऐसी देंगे, राय भी ऐसी देंगे, सलाह भी ऐसी देंगे, चलाएंगे भी ऐसे, तो ये तो दुनिया तुमको उस तरफ खींचेगी ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसका ये सभी संग छोड़ कर करके अभी मेरा पकड़ो, तो मेरा पकड़ने से फिर तुमको आ जो नया संसार मैं बनाता हूँ वो भी संसार बनाता हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है तुमको आ कोई संसार से कहा संसार ही बना देता हूँ, पर तो उसी संसार में सा सुख जिसमें कोई ऐसी दुख की बात रहती नहीं। इसीलिए कहते अभी मेरी मत पर चलना पड़ेगा ना, तो अभी किसके मत पर रहना है हा? ये तो कहेंगे कि विकारों पर चलो हा? ये संसार वाले अथवा ये जो है वो तो रावण की मत हो गई ना, इसीलिए बाप कहते हैं अभी इस रावण की मत पर मत चलो, अभी चलो मेरी मत पर, राम की, राम माना निराकार परम पिता परमात्मा, तो अभी कहता है मेरी मत पर रहो, तो अभी उसके मत से सुख पाएंगे और रावण की मत से दुख पाएंगे, अभी क्या करना चाहिए है? तो इसीलिए है कि अभी इनके इन सभी बातों से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे में लगाओ और जो मैं कहूँ वो करो, तो अभी करना चाहिए जो अगर सुख चाहते हैं, नहीं तो ये विकारी दुनिया भी अभी अभी खत्म होने की है, भले कोई कहे चलो हम इसके ही मत पर सही हाँ जैसा होगा वैसा हाँ, पर तू कहते वो भी अभी खत्म होने पर है, इनका भी अभी टाइम पूरा हुआ है, ये भी समझने की बात है कि ऐसे नहीं ये दुनिया भी कोई आगे और चलने की है, इनका भी अभी आकर करके टाइम पूरा हुआ है, जब इसका भी नाश होने का है तो नाश भई हुई दुनिया में अभी तू काय के लिए अपना मन लगा के बैठे उसे क्या मिलेगा, इस दुनिया का भी अभी कुछ मिलने का नहीं है क्योंकि इनका भी अभी स्टेज आकर करके पूरा हुआ है, ऐसे भी नहीं है कि चलो इसका भी अभी आगे कुछ टाइम है इसमें भी अभी कुछ हाँ जो भी है जैसा भी अच्छा वो भी तो ले ले में। नहीं बाप कहते अभी उसका भी टाइम पूरा हुआ है, इसको मुझे विनाश करना ही है क्योंकि इनकी अभी जर्जरी भूत अवस्था अथवा लास्ट स्टेज आ चुकी है, इसीलिए जबकि अभी इसी राज का खत्म होने का टाइम आया हुआ है यानी रावण के राज का इस विकारी दुनिया के समय का अभी टाइम आकर करके पूरा हुआ है और उसका डिस्ट्रक्शन देखो मौत की भी निशानी आ चुकी हुई है, तो अभी जबकि उसके नाश का टाइम आया है तो क्यों नहीं अभी जो दुनिया आने वाली है और सुख की तो क्यों नहीं अपना उसमें बना लेना चाहिए, तो अक्लमंदी तो यही है ना, एक तो जो चीज है वो एक खत्म होने की है, भले कोई कहे कि चलो हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए हमको यही अच्छे है हम इधर ही पड़े रहे, पर तो बाप कहते हैं वो भी तो नहीं रहने का है, वो भी रहने का नहीं है क्योंकि उनका भी अभी टाइम पूरा हुआ है, तो जबकि उसका टाइम भी पूरा है और उसमें कोई सार भी नहीं है, तो जब ऐसी बात है तो क्यों नहीं जिसमें सार भी है और उसका टाइम आया हुआ है उसमें अभी यहाँ हक लगाने का समय है क्योंकि वो दुनिया अभी आ रही है हाँ, वो बताया नहीं आ रही है दुनिया, तो जब की आ रही है दुनिया और अभी उस दुनिया की वारी है तो क्यों नहीं उसमें अपना अभी लगा देना चाहिए सैपलिंग कलम, तो फिर हम उसमें अपना फल पाएंगे, इसीलिए बाप कहते हैं अभी समझ का अगर काम है और समझदार बनना है तो अभी यहाँ ये विनाश भई हुई अभी अभी बाकी थोड़ा टाइम है, तो अभी जो खत्म होने पर है उसको अभी से ही खत्म कर दो, पहले से ही जरा पहले से उसको खत्म कर दो, होनी तो है ही तू न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने की नहीं है, तू न करेंगे तो भी होने की है, तो क्यों नहीं तुम दिल से अपना उसे पहले से ही आसक्ति अथवा ममत निकाल देते हो तो उसका तुमको फायदा मिलेगा, तो मैं खाली कहता हूँ तू पहले से जरा मरनी तो ऐसे भी है खत्म तो ऐसे भी होने हैं, तो जबकि ऐसे भी तुम्हारे से छूटना है सब कुछ तो क्यों नहीं तुम पहले से अपना जरा दिल से आसक्ति अगर तोड़ेंगे तो उसका फल तुम्हारा देखो तुम्हारा उस आसक्ति तोड़ने की सैपलिंग लग जाएगी, सिर्फ तुम खाली आसक्ति तोड़ते हो ये जो तुम कहते हो देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटाते हो बस उसी मेहनत का ही तुम्हारा सैपलिंग लग जाती है, तो क्यों नहीं तुम इतना अपना नई दुनिया के लिए बना लेते हो, छूटनी तो ऐसे ही भी है, ऐसे नहीं कोई कहे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो वहां देखो उसका विनाश खड़ा है सामने, तो ये है सारी बातें, इसीलिए बाप कहते हैं जबकि अभी ये सब सारा राज समझा
मैंने समझाया है और समझा रहा हूँ और बुद्धि में आता भी है तो फिर उसके मुताबिक काम करना चाहिए नहीं। बाकी मेरा संसार मेरी दुनिया देखो कितनी सुखदाई है, इसीलिए कि हाँ अभी इसमें कुछ राह नहीं है, इसमें कोई सार नहीं, किसमें भी सार नहीं है। सब कुछ बन के इस दुनिया के भी बड़े बड़े बन के भी देख लिया, मर्तबे वाले धनवान बड़े बड़े सब बन के देख लिया, किसमें भी सार नहीं है। सब अनुभव ही हो ना, इस दुनिया का अनुभव देखते चलते आए हो, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप अभी समझाते। इसीलिए कहते जबकि अभी ये दुनिया का टाइम पूरा होने पर आ चुका है, अभी कोई कहे हम कैसे माने कि दुनिया का टाइम पूरा हुआ है, तो अभी क्या इसमें अभी तक भी आंखें नहीं खुलती हैं? अभी तक ये ध्यान में नहीं आता है कि दुनिया का टाइम पूरा होने का ये सब दिखाई दे रहा है, ये दुनिया की आशा या दुनिया की जो भी अभी हालात है वो अभी क्या ये महसूस नहीं कराती है कि दुनिया किस ओर जा रही है। तो ऐसे कोई न समझे कि नहीं अभी कोई हजारे या लाखें बरसा, वो कहे समझते हैं कहीं समझते हैं कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी तो आज को बड़ा बूढ़ा होने में हजारे कई लाखें बरस पड़े हैं। परंतु नहीं, अगर हजारे लाखें बरस पड़े हुए होते ना तो आज ही जितनी संख्या है वही संभालना दुनिया के लिए बड़ा एक हो गई है मुसीबत की बात है कि आगे फिर चलते चलते ये संख्या और बढ़ती चले और ये सब दुनिया का ऐसा हो तो कितना हजारे लाखे वर्षों में क्या हो जाएगा हा? और है ही नहीं इतने टाइम का, जबकि हम देखते हैं अभी अभी थोड़े देखो ये क्रिश्चियनिटी को 1965 बरस कहेंगे, उसके अंदर भी देखो कितनी संख्या बढ़ गई है हा? जब क्राइस्ट था और उसने क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना की उसी समय की संख्या का भी लियो और अभी की, तो अभी 2000 बरस भी नहीं हुआ है तो उसके अंदर अंदर इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, तो सोचने की बात है अभी अगर कोई हजारे या लाखों बरस करे के पड़े हैं तो उसमें क्या जा करके होगा। अभी तंग हो गए हैं, अभी अपनी संख्या को कोई संभाल नहीं पा सकता है, खाने पीने रहने और सब बातों में देखो कितने तंग पड़ते तभी तो लड़ते है ना, वो समझते है कि नहीं हा? हमारे को ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए, हमारे को ज्यादा ये होना चाहिए, हमारे को ये सब लड़ाई झगड़े सब क्यों होता है। तो ये सभी बात व्यक्त करके बाप समझाते हैं कि जब कि अभी इतने 2000 बरस की खाली संख्या भी सोचो तो देखो पहले जब अभी क्राइस्ट की स्थापना क्रिश्चियन घराने की हुई थी तभी कितनी थी, अभी उसके यहाँ अभी 2000 बरस भी नहीं हुए हैं तो कितनी संख्या हो गई है। तो सोचने की बात है कि जब कि समझते हैं कि ऐसी स्पीड संख्या की होती जा रही है तो हजार लाख बरस और आगे हो तो क्या हो जाएंगे हा? फिर तो बैठने एक लोग के ऊपर बैठेंगे क्या रहेगा। तो इसीलिए बाप कहते हैं ऐसा है ही नहीं, अभी ये सब टाइम निशानियां है कि अभी ये टाइम आकर करके लास्ट पहुंचा है। बाकी भी जो कहते हैं नहीं घोर कलयुग बहुत जबकि मनुष्य बहुत पीड़ित, तो वो भी तो टाइम बहुत निकट है जब ये विनाश का चलेगा तो वो है पीरा का टाइम, परंतु वो पीरा का टाइम बहुत काल नहीं चलता है, बहुत दुख का समय फिर बहुत काल नहीं चलता है, क्योंकि अगर बहुत समय चले ना तो बहुत पीरा में और बहुत समय अगर मनुष्य चलते रहे तो न मालूम क्या हो जाए। देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मामला हुआ तो ऐसे थोड़ी है कि बहुत काल चलता चले हा? नहीं चला थोड़ा समय, परंतु वो टाइम जो था वो घड़ी जो थी वो समय जो थे वो कितने दर्दनाक थे हा? अगर ये दर्दनाक समय बहुत काल चलता ही चले ऐसे मनुष्य एक दो को काटते फाड़ते चलते ही रहे तो ऐसा अगर निजहरा चलता ही रहे तो कितना क्या हो जाए। तो नहीं वो पीरा का अति पीरा का टाइम थोड़ा टाइम चलता है लेकिन होती अति पीरा है, तो ये भी विनाश का चलेगा लेकिन ऐसे थोड़ी है वो इतने हजारे या लाखों वर्षों में कोई चलने की बात नहीं है। तो ये सभी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह से समझने की बातें हैं कि हाँ टाइम आया हुआ है और ये भी जो बाकी टाइम है जिसको कहते हैं वो भी आने का है, पर तो उसी टाइम पर तो अपना कुछ जो कुछ बनाना है वो उसी टाइम तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना है पहले, जो कुछ करना है सो पहले करना है, तो करने का भी समय है। पीछे तो है मौत, तो उसी टाइम पर जैसे मनुष्य मरने पर कुछ थोड़ी कर सकता है, मरने के पहले कहते नहीं घड़ी आधी की पुनः आध कुछ पहले, बाकी ऐसे थोड़ी मरने के समय मनुष्य क्या करेगा,
मरने के समय तो मनुष्य मरने में ही होगा, बाकी उसी टाइम तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं करना है तो पहले। तो इसीलिए बाप कहते हैं ये मरने के मानो एक घड़ी पहली है, आधी घड़ी, आधी की पुनार, इतना टाइम समझो। इसीलिए जबकि अभी टाइम ही इतना रहा है तो उसके पहले कुछ कर लेना चाहिए ना। तो ये है थोड़ा टाइम पहले का, जिसमें बैठ कर करके हम बाप के द्वारा उसकी मत लेकर करके और अपना उच्च सौभाग्य बनाते, और सौभाग्य भी क्या बनाते हैं उसकी भी हमारे बुद्धि में सारा साक्षात्कार ज्ञान से बेहतर करके कराते हैं, समझाते हैं कि अभी क्या है फ्यूचर और किस लिए तुमको मैं बैठकर करके ये मत दे रहा हूँ, उसे तुम्हारा क्या बनेगा, क्या होने का है, वो सारी इस फिल्म की भावी जो है ना वो बैठकर करके बतलाते हैं। तो वो अभी बुद्धि में है ना अच्छी तरह से, जबकि बुद्धि में है और रोशनी है अभी, तो फिर उसके मुताबिक काम करना चाहिए। और है बहुत सहज, कोई और भी कोई ऐसी बात नहीं है क्या करना है, कोई ऐसे नहीं है कि भाई मुश्किल है कोई कर, कहते कोई भी हो, नारी हो नर हो, हाँ दोनों कर सकते हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी कर सकते है। तो बाप को याद करना है और बाप के फरमान के ऊपर चलना है, तो वो कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं जो बच्चा भी न कर सके। बच्चे को भी अगर छोटे को ये तेरी माँ है ये तेरा बाप है तो बुद्धि में नहीं बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो जो बच्चा भी हाँ धारण कर सकता है ये इतनी इजी बात है। तो इसीलिए ऐसे भी कोई नहीं कह सकते है कि नहीं भाई सभी आत्माएं कैसे उसको पा सकेंगी, नहीं, कोई बच्चा हो बूढ़ा हो सबको अधिकार है। और इसीलिए बाप कहते देखो मैं आता हूँ तो मैं तो सबको बैठकर करके आ, बच्चे को बूढ़े को देखो इस स्कूल में सब है ना, हाँ बच्चे भी है बूढ़े भी है, ऐसा कोई स्कूल देखा हा? और स्कूलों में तो देखेंगे तो उसमें तो एक ही एज के या थोड़ा कुछ वर्षों का इधर उधर हो, पर तुझे तो देखो बूढ़ा भी बच्चा भी है, यंग भी सबके लिए, और नर और नारी कोई भी हो और किसी जात का भी हो और कैसा भी हो, हाँ भले कहते हैं बीमार भी हो ना तो भी ऐसी बात नहीं मैं बीमार हूँ नहीं कर पा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं तुमको आसन लगा कर करके कमर सीधी करके बैठने की है इसीलिए भाई हमारा मुश्किल है, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, भले लेटे रहो भले सोए पड़े रहो पर तू याद रखने का है, तो याद तो बुद्धि से रखने का है ना, तो उसमें ऐसी भी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि कोई कहे कि हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं बात ऐसी सहज बतलाता हूँ जो कोई भी कर कर करके अपना भविष्य ऊंच बना सकता है, इसीलिए कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है, किसके लिए भी नहीं, और सबको हक है क्योंकि आत्माएं तो सब मेरी संतान है ना, परंतु जानती नहीं है बेचारी भूल गई है, अभी फिर यथारथ रीति से मुझे जान कर करके और मेरे द्वारा वो अपना हक पाने का पुरुषार्थ रखने का है। तो ये तो अभी सब बुद्धि में है ना, कैसे उसको याद रखने का है, और याद का भी सहज तरीका बतलाती है, कल बतला है ना सहज तरीका, ऐसा भी नहीं भाई काम करे तो भूल जाए क्योंकि हमारे सामने तो चित्र ही चाहिए या हमारे सामने तो क्या उसकी सूरत ही चाहिए, पीछे हम काम करेंगे तो फिर सूरत कैसे आएंगी, नहीं वो कहते ऐसी भी नहीं है कि मेरी शक्ल देखते रहो, नहीं मैं ऐसे नहीं कहता बस मेरी सूरत के ऊपर तुम अपना प्रेम लगाओ, मेरी सूरत सूरत ही मेरी क्या है, हा? मैं तो हूँ बिंदी स्टार लाइक, वो तो तू भी बिंदी और स्टार लाइक हो एकदम, तो मेरे सूरत के ऊपर तो आशिक होना है, हा? वो तो आशिक माशिक होते हैं तो भी एक दो क्या शरीर के ऊपर आ उनका प्रेम जाता है, ये तो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा मेरे प्रेम कोई उसके सूरत के ऊपर नहीं है कि तुम मेरी सूरत देखते रहो, यहाँ कोई मूर्ति चाहिए तुमको उसके लिए, नहीं मैं क्या हूँ तेरा बाप हूँ, मेरा रिलेशन है तेरे से, हाँ तो बाप भी किस में हूँ, बाप भी क्यों कहा जाता है क्योंकि बाप से हक मिलता है तभी उसको बाप कहा जाता है, बाप क्रिएटर है और बाप से वर्षा मिलता है, इसीलिए तो मैं कैसे क्रिएटर हूँ और कैसे मेरे से क्या वर्षा तुम्हें मिलता है वो तुम मेरा रिलेशन समझो, तो वो जो प्रॉपर्टी है नहीं तुमको, हाँ उसी लिए तुम मुझे प्रेम करते हो कि वही हमारे सुखदाता है, वही हमारे साथ किसी से कुछ मिलता है तभी तो उससे प्रेम होता है ना, तो तुम मेरे कोई सूरत के मेरी सूरत तुमको नहीं मिली है जो उसके ऊपर तुम्हारा प्रेम हो, तुम आशिक माशिक की तरह से मेरा चित्री देखते रहो या मेरा तुमको फोटो चाहिए या तुम मेरा साक्षात्कार करो या उसको सूरत को देखते रहो, मेरे सूरत के ऊपर थोड़ी फिदा हो, तुम फिदा हो उसी पर क्या मैं जो तुमको देता हूँ ना मेरे द्वारा तुमको मिलता है, क्या मिलता है
सदा का सुख, वो बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो वो जो चीज तुमको मिलती है, जो मैं देता हूँ, उसी का ज्ञान तुमको चाहिए कि उसको याद रखने से अथवा उसका होकर करके रहने से मेरे द्वारा तुम्हें क्या प्राप्त होगा उसको समझो। तो समझने से तुमको बैठेगा कि ये हमारा दाता है, देने वाला है, इसे कुछ मिलने का है, कुछ तो क्या सब कुछ, और सब कुछ क्या उसका तो दिखलाता है कि सब कुछ क्या, सब कुछ में सब कुछ आए नहीं, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग। मनुष्य को चाहिए क्या जीवन में, क्या क्या चाहिए बताओ, जीवन में यही तो चीजें चाहिए ना। अगर ये चीजें हो फिर तो वाह, फिर कोई कहेगा थोड़ी संसार ऐसा क्यों, ऐसे संसार में तो होते ही नहीं। ये तभी मनुष्य को होता है जब दुख आता है, कोई रोग आता है, कोई अकाले मरता है, या कोई ऐसी निर्धनता या कई ऐसी बातें होती हैं, तो मनुष्य दुखी होकर के कहते हैं कि ऐसा संसार भगवान ने रचा ही क्यों, ऐसा भगवान ने बनाया ही क्यों। फिर भगवान को भी यहाँ कहीं गाली दे देते हैं कि भगवान तुमने तो संसार अपना खेल समझ के बनाया और हमारे लिए पीड़ा और दुख रचा, पर तो बाप कहते हैं मैंने वो नहीं रचा, ये तो तुमने बनाया, मैंने कैसा रचाया, जो तुम सदा उसमें सुखी थे वो बेहतर करके समझाते हैं कि मैंने तुम्हारी जीवन कैसी बनाई। उसी लिए तो कहते हैं मैं आया हूँ और तुम्हारे लिए अभी वो जीवन फिर से बना रहा, तो अभी बनाना चाहिए ना। तो ये तो अभी कंट्रास्ट बुद्धि में है ना, इसीलिए कहते हैं गीतों में कि हाँ ये दुनिया भी झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, इसमें आप सब झूठ हो गया है, सच निकल गया, अभी फिर तू आया है सच्चा संसार, जिसको संसार कहे, अभी संसार तो रही है इसको नर्क है? तो अभी कहते हैं सच्चा संसार जिसमें सुख था कुछ सार था, वो अभी सार वाला संसार अभी बनाता, तो अभी बनाता हूँ, तो अभी उसमें तुम भी अपना लगाएंगे कर्म का हाँ बल, तभी तो तुम उसमें आएंगे ना, नहीं तो ऐसी प्रलब्ध कौन पा सकेगा, सवाय कर्म की प्रलब्ध तो नहीं मिल सकती है ना। तो उसी प्रलब्ध को पाने के लिए तुम्हारे कर्म में भी ताकत चाहिए, इसीलिए कहते मैं तुमको आता हूँ उसका बल देने के लिए। तो ये तो बात सीधी और साफ है ना, तो ऐसी साफ बातों को समझ कर करके और बाप से अपना ऐसा अधिकार लेने का पूरा पूरा उसके रखे, इसीलिए कहते हैं अभी यहाँ बनवारी, यहाँ बनवारी वो लगाया हुआ है ना, यहाँ वो ले गए हैं रामचंद्र को भी भगवान बनाया, कृष्ण को भी भगवान बनाए ले गए हैं उसी हिसाब से, ऐसे ऐसे बाकी कोई वन में नहीं गए हैं, यहाँ कोई जाकर कर करके यहाँ वनवास लिया या क्या, यही है हम इस दुनिया से वनवास लेते हैं अथवा इसका हम त्याग करते हैं, हमारा है सारी दुनिया का त्याग, हम कोई घर बार का त्याग नहीं करते हैं, हम इस पुरानी झूठी सारी दुनिया का त्याग करते हैं कि इस दुनिया ये दुनिया ही नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए वो दुनिया, तो हमारा त्याग बड़ा है सबसे, वो घर बार का खाली नहीं, वो सन्यासी तो खाली घर बार का सन्यास करके फिर भी आप जाते तो इसी दुनिया में ने, कहां जंगल जाएंगे या कहां भी जाएंगे, फिर जाते तो इधर ही, हम तो कहते हैं हमको ये दुनिया ही नहीं चाहिए, कौन सी दुनिया, दुनिया तो इधर ही रहेंगे परंतु फिर ये दुनिया परिवर्तन में चेंज में आकर के जिसको सुख की दुनिया अथवा स्वर्ग कहा जाता है, फिर उस दुनिया का सुख पाएंगे, इसीलिए बुद्धि में अभी वो चीज है, तो अभी बुद्धि में वो चीज रख कर करके अभी उसी का प्रयत्न कर, तो ऐसे प्रयत्न कर करके अपना सौभाग्य बनाना। अच्छा, सौभाग्यशाली और भाग्यशाली, भाग्यशाली का मतलब है जिन्होंने अपने परम पूज्य बाप से इस वर्षा पाने के लिए पूरा पूरा अपना पांव लगाया है, पांव लगाने का मतलब है जिन्होंने पवित्रता को अपनाया है, तो इतना तो है भाग्यशाली, बाकी फिर हाँ उसमें भी अपना उच्च स्टेटस पाने का बैठ कर करके पुरुषार्थ करना, उसको फिर कहेंगे सौभाग्यशाली, क्योंकि उसमें भी दर्जे है ना, उसमें भी राजा प्रजा नंबर वार है, प्रजा भी तो पवित्र दुनिया में ही है, राजा भी तो उसमें भी स्टेटस है ना नंबर वार, तो फिर हाँ उसमें स्टेटस पाने का पुरुषार्थ रखना उसको कहेंगे सौभाग्यशाली। बाकी भाग्यशाली तो जरूर हो, हाँ यहाँ तक जो आए हो, बैठे हो, सुनते हो, रोज सुन रहे हो, और जरूर पवित्र दुनिया में पवित्रता को भी हाँ अपनाया होगा, तभी तो फिर पवित्र दुनिया में चल सकेंगे ना, बाकी उसमें अपना उच्च मर्तबा पाना उसमें भी उसके लिए है ये सारा पुरुषार्थ रखने।
तो जरूर उसमें भी नंबर वार अपना प्रसारक तेजी से करते रहते होंगे। कैसे लाओ जी, हाँ क्या बनने का है? डबल क्राउन। अच्छा डबल क्राउन, और बनना ही चाहिए डबल क्राउन। सोबिया सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों में भी पहला सूर्यवंशी भी 8 गद्दी है। किस गद्दी में पहला? कोशिश तो ऐसा रखना है, पहला का मतलब अभी पहला तो हा न कहे सेकंड, हाँ थर्ड, मतलब पहले पहले नंबरों में। तो कोशिश रखने की है। देखो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं तो हमें यही तो रखते हैं ना, जो पढ़ के जानते हैं और जिनकी तेज बुद्धि है उनके दिमाग को अपने दिमाग का भी नशा रहता है ना, वो समझते हम जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो अगर वो नंबर भी थोड़ा कम आएंगे ना, तो कई बच्चे जो पढ़ के जानते हैं जिनको पढ़ाई का और बुद्धि का नशा, तो नंबर भी तो वो भी बेचारे ऐसे हो जाते कि नंबर भी क्यों हुआ, पास तो हुआ पर तू नंबर भी क्यों। वो समझते हैं नंबर भी हम ले ना, तो ये भी तो है ना। तो खाली पास मार्क्स में पास होना ये भी बात नहीं है, पर तो इसमें हम अपना नंबर भी आगे करें, ऐसा पुरुषार्थ रखने का है। तो ऐसे पुरुषार्थी जो है ना वो तेजी से अच्छी तरह से अपना ध्यान रख करके अपना बनाएंगे। अच्छा टोली दियो, आपसे अपना पूरा पूरा वर्षा पाने का, पूरा वर्षा भी पूरा। इसमें ऐसे नहीं है वो बाप है तो बस हमको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ख्याल न करे। हा? जैसे वो बाप लौकिक में ऐसे हो जाए भाई बच्चे को, आ कैसा भी बच्चा होगा लेकिन बाप का, यहाँ तो है बच्चे को लायक बनना, लायकी के ऊपर है सारा काम। लायक नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं समझना कि चलो हाँ वर्षा तो पाया, भले आएंगे थोड़ा बहुत कुछ जो किया है आकर करके वहाँ कुछ, परंतु हाँ वो जो है पूर्ण प्राप्ति की स्टेज वो तो अपनी मेहनत से होगा ना, तो उसके लिए तो पुरुषार्थ करना। ऐसा ख्याल रख कर करके, पुरुषार्थ रख कर करके अपने को आगे करते रहो ना, हो सके। ऐसे नहीं है कि हमारा सारा समय बुद्धि जो है ऐसी बिजी रहती है जो हम अटेंशन इसमें नहीं दे सकते, नहीं, बहुत फालतू बुद्धि चलती है। अगर अटेंशन देवे तो फालतू से हम बहुत काम ले सकते हैं, बुद्धि को इस प्रैक्टिस में अथवा इसमें लगा कर करके हम अपना फायदा निकाल सकते। तो फालतू बुद्धि इधर उधर न जाए, उसकी हमको संभाल रखने की है, जितना हो सके बाप की याद में रह कर करके उससे अपना बल लेने का। इसीलिए बाप कहते हैं मैं तुम्हारा काम भी देखो, तुम्हारा कोई खोटी काम कर करके नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो फालतू है ना, मैं कहता हूँ तुम्हारी फालतू बुद्धि इधर उधर जाती है उससे तो मेरे में मन लगाओ, फालतू क्यों इधर उधर वेस्ट करते हो। तो मैं तुम्हारा काम इतना ऊंच, तुम्हारी जो है वेस्टेज है उससे निकालता हूँ, बाकी तुम्हारा कोई जरूरी काम थोड़ी खोटी करता हूँ कि ये जरूरी काम मत करो। हाँ नहीं, शरीर निर्वाह का है, जरूरी है, करना है करो, पर तो उसमें ऐसा नहीं है तो जितने 8 घंटे देते हो या 6 घंटे 7 घंटे जरूरी है बुद्धि नहीं, उसमें कई ऐसी समय मिलते हैं जिसमें तुम ये भी काम करो और वो भी काम करो, कर सकते जो भी 8 घंटे भी कहते हैं चलो तुमको छूट है, दिन में 24 घंटे हैं फिर भी 16 घंटा बच जाता है, तो 16 घंटा क्या करते हो, चलो उसमें 8 घंटे और भी छोड़ लेता हूँ, हाँ नींद करो आराम करो जो करो चलो, हाँ बाकी भी 8 घंटे सीधे बच जाते हैं। हाँ तो बाकी क्या है, चलो 8 न तो 4 घंटे का कुछ इधर दियो, हाँ आधी घड़ी, घड़ी की भी आध, आज की भी आध, तो थोड़ा तो कुछ टाइम का यहाँ करने से कितना बन जाएगा। तो अपना टाइम कैसा सफल करना चाहिए और किस तरह से उसका पूरा टेंशन रखना, जितने टिक सकती है ना। हाँ जैसे हमारी टिकी हुई थी बॉडी कॉन्शियस में कि हम फलाना है, उसमें कैसे टिकी थी, अभी बॉडी न समझ कर करके अपने को सोल समझना है तो फिर उसमें टिक जाएगी, खाली चीज को बदलना है बस। बुद्धि तो टिकती है, किसी न किसी में टिकती है। हाँ पति के सामने होगा तो टिकेगी, तो मैं इनकी स्त्री हूँ, देखो आ टिकी हुई है ना बुद्धि। है बच्चों के सामने होगा मैं इनकी माँ हूँ, तो टिकी हुई है ना बुद्धि, जैसे वो टिकाई है, पहले तो माँ नहीं थी ना, हाँ पहले तो किसका बच्चा बची थी, हाँ पीछे माँ बनी तो देखो टिक गई ना, तो उसी बातों में जल्दी जल्दी टिकती है, माँ बनी तो माँ का टिक गई, स्त्री बनी तो स्त्री का टिक गया, कन्या थी तो फिर मैं किसकी
बच्ची हूँ, फिर उसमें टिका तो उसमें कैसा जल्दी जल्दी टिकता है, वो कैसे बुद्धि में जल्दी आ जाते हैं, हाँ बैठ जाती है ना बुद्धि में, तो वो बुद्धि जल्दी जल्दी ये ग्रहण कर लेती है। इसमें क्यों, इसमें भी बाप कहते हैं अभी ये सब देह के जो कुछ है जिसमें पहले से टिकी हुई बुद्धि है उसमें से निकाल करके अभी मेरे में मन लगा, तो अभी इस बदली करने में क्या मुसीबत पड़ती है, हाँ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिस है। देखो छोटा बच्चा था तो उसी समय इसको थोड़ी था मैं बाप हूँ ना, अभी देखो बड़ा हुआ बच्चे पैदा किया तो अभी बुद्धि टिक गई है मैं बाप हूँ, तो वो भी बुद्धि बदलती है ना, वो स्टेज से इस स्टेज में आया तो ये बुद्धि बैठ गई, अभी इसको आता है मैं बाप हूँ, बच्चे हैं, मुझे संभालना है, ये करना वो करना, तो कैसे, तो इसमें बुद्धि बदलती है और उसमें बुद्धि टिक जाती है, जो भी स्टेज आती है उसमें टिक जाती है। अभी बाप कहते हैं उस स्टेज में टिक जाओ और क्या, अभी बॉडी कॉन्शियस से निकल करके सोल कॉन्शियस में आ जाओ, बस उसी स्टेज में चले जाओ, इसमें क्या, हाँ कुछ नहीं है, तो खाली अपनी प्रैक्टिस और समझ की बात है, उसमें रख कर करके लगना है। बेटे से बाप सहज है, लेकिन बाप से नहीं, ये भी सहज है, इतना बच्चे देखो छोटा बच्चा है ना, उसको अगर कोई गोद का बच्चा ले लेता है तो क्या वो रिलेशन नहीं उधर चला जाएगा, हा? बहुत है, छोटे बच्चे को भी हो सकते है, भले बड़ा भी हो, समझो कोई बच्चा किसको गोद का बच्चा बनाता है तो क्या नहीं चाहेगा, कोई धनवान है, शाहूकार है, लखपति है, करोड़पति है, वो कहते हैं मुझे बच्चा नहीं है, कोई को गोद का बच्चा लेगा क्या बदल नहीं हो जाएगा, अरे मैं इसका बच्चा हूँ, क्योंकि समझेगा नहीं, नहीं तो बच्चा न समझूंगा तो लख नहीं मिलेगा, हाँ पैसा नहीं मिलेगा, तो झट से बुद्धि चली जाएंगी, क्यों नहीं जाती है, टेम्पटेशन कोई है तो जाएंगी, और ये कोई टेम्पटेशन कम थोड़ी है, बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, तो ऐसे नहीं है बुद्धि जाए नहीं जा सकती है, जा सकती है। कहते हैं कि ये दम के दिलासे हैं, कैसे? ओ, दम के दिलासे नहीं है, जो उसमें दम है ना अभी वो सब झूठ हो जाने का है, देखो कहते हैं नहीं झूठी काया झूठी माया, हाँ जीते भी झूठा कह रहे हो, क्योंकि अभी सार नहीं है, निकलता जा रहा है, बाकी मरने में देरी थोड़ी है, हा? इसकी हालत तो देखते जाते हो, अभी हालत देखते भी नहीं समझते मरने पर है, हा? देती है, ऐसे ना हो तो फिर जब इस समय आए उसी टाइम तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना, करना पहले, अच्छा कुछ भी है जीवन ऐसी चलती है, आप जब छोटा थे आपको तो ये दिलासा था नहीं खाली कि मैं बाप बनूंगा, हाँ बढ़ाऊंगा लिखूंगा पढ़ूंगा बच्चे पैदा कर, तो उस आश्रय में कैसे चले बताओ, उसका फ्यूचर कैसे बनाया, हाँ? वो भी तो फ्यूचर सोचा ना, छोटा था तो कहा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा हाँ इंजीनियर बनूंगा, हाँ तो पहले थोड़े इंजीनियर थे, लेकिन फ्यूचर सोचा ना, वो एक जीवन का सोचा, ये है दूसरे जन्म का सोचना, फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन वो भी तो फ्यूचर सोचना है ना? तो फिर जैसे उसमें सोचते हो इसमें सोचे, ये भी तो दम के दिलासे थे ना, पता नहीं मैं अब मर जाऊँ तो कोई पक्का थोड़ी है कि हाँ बन के रहूंगा, नहीं उसमें भी तो ऐसा ही था ना, जिसको कहते हैं दम के दिलासे, तो वो भी तो ऐसा ही था, फिर उसमें कैसे चले आए, अभी इसमें भी क्या है, ये आत्मा तो जन्म लेती रहती है, उनका पुनर्जन्म है, ये तो सभी बातें मानते ही है ना, तो फिर बाकी क्या है, तो इसमें क्यों भूलना चाहिए, अच्छा ऐसा बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे, हाँ और ऐसे निश्चय बुद्धि जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों पर तेजाब प्यार और गुड मॉर्निंग।